अरे नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो इस तरह की इंस्टा रील्स बहुत वायरल हो रही है आजकल, जिसमें आपकी वीडियो चलती है और आप कुछ एक्शन करते हैं और वो फ्रीज हो जाता है वहाँ पर, आगे AI से एनिमेशन बन जाती है, बहुत कूल रिजल्ट आते हैं। बहुत लोग ये चीज़ें बना रहे हैं, मैंने भी ऐसी एनिमेशन बनाई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत लोग पूछ रहे हैं कैसे बनेगी कैसे बनेगी। तो बना रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ट्यूटोरियल कोई नहीं बना रहा। एक दो गोरों ने बनाया अंग्रेजी में, पर हिंदी में कोई मुझे अच्छा मिला नहीं। काइबर ऐप यूज़ करने को बहुत लोग बोलते हैं, उससे थोड़े ठीक ठाक से रिजल्ट आते हैं, क्रेजी रिजल्ट नहीं आता। जो आपको चाहिए ना, बहुत मस्त वाला से रोटेशन हो रहा और आपके कंट्रोल में है कैमरा, वो चीज़ आपको कैसे करनी है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक छोटी सी वीडियो हम बना लेते हैं। आप कोई भी क्रेजी एक्शन कर सकते हैं, अभी के लिए मैं एक सिंपल चीज़ कर लेता हूँ, बेसिक एक्शन, और उसको हम ले जा करके पोस्ट के अंदर दिखाएंगे कैसे उसका AI एनिमेशन आपको बनाना है। तो लेट्स रिकॉर्ड द एक्शन फर्स्ट। तो इसको हम पोस्ट में ले आते हैं और देखते हैं इसके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को हमने कॉपी कर लिया अपने सिस्टम के अंदर, इसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे DaVinci रिजॉल्व में। कट पेज पे मैंने इसे ड्रैग ड्रॉप किया है, इसका रेजोल्यूशन जो है टाइमलाइन का वो भी डिफरेंट है। हमारी फुटेज पोर्ट्रेट में है क्योंकि मैंने इसको सेल्फी कैमरा से शूट किया था फोन से। तो यहाँ पर ऊपर हमारा जो बटन बना है इस पर क्लिक करना है हमको, यहाँ पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट कर लेना है ताकि अब ये पोर्ट्रेट साइज में हमारी वीडियो आ जाए। एडिट पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर लास्ट में मैंने जो एक्शन किया था वो मुझे चाहिए यहाँ पर, ये वाला। तो इधर से मैं इसे कर लेता हूँ कट, यहाँ से स्टार्ट हुई वीडियो और यहाँ पर हमें वीडियो रोकनी है। तो इस पोजीशन पे मैं चाहता हूँ कि वीडियो रुक जाए, यहाँ पर मैंने इसको लिया है। और अब क्या करना है, सिंपली इसको क्लिप को सिलेक्ट करना है और सबसे पहले तो मुझे ऑडियो भी नहीं चाहिए, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। और इस सेक्शन से मुझे इसको कट करना है, आगे का फ्रेम फ्रीज करना है। तो आपने क्लिप को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पर आपका स्पीड चेंज पे जाना है, या थर्ड जो बटन है इस पे आपने क्लिक करना है, फ्रीज फ्रेम का बटन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो क्लिप बन गई हैं, आगे की क्लिप जो है वो आपका फ्रीज फ्रेम हो चुका है, यहाँ पर रुक गया है वो। तो अब आपकी वीडियो ऐसे चलेगी, स्टार्टिंग में देखा एक्शन और ये स्टॉप कर दिया। अब ये फ्रेम जो हमारा फ्रीज फ्रेम है यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ और इस फ्रेम को मुझे निकालना है एज एन इमेज और इसको मैं यूज़ करूँगा एनिमेशन के लिए। कलर पेज में मैं जाता हूँ, राइट क्लिक, ग्रैब स्टिल, यहाँ पे आपका स्टिल बन करके आ जाएगा, इस पे राइट क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जहाँ मर्जी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, अभी के लिए मैं ए दे देता हूँ इसका नाम। और नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट DPX फाइल या कुछ इस तरह की आपकी ऑप्शन होगी, इसको आप जाकर चेंज कर सकते हैं। मैं PNG कर रहा हूँ, JPG कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ PNG कर लिया और एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब मैं देखता हूँ इसको फोल्डर में जाकर के, यहाँ पर हमारे पास दो आ गई, एक DRX फाइल आ गई है, इसको तो मैं शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ, चाहिए नहीं। एक ये PNG फाइल आ गई है और आपने नोटिस किया कि इसका नाम A और आगे _1.2.9 समथिंग इस तरह का आ गया, जबकि हमने A रखा था। तो रिजॉल्व ऐसा करता है कि वो जो भी फ्रेम वगैरह के ऊपर होता है उसके हिसाब से जो है नाम चेंज कर देता है। इसको मैं सिंपली A कर देता हूँ यहाँ पर, इसे खोल के आप देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, फ्रेम ठीक है हमारा, यहाँ पर इसको सेव कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है स्टेबल डिफ्यूजन में हमको जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो लोग ये इफेक्ट ढूंढने आए हैं उनको पता है कि हम ये इफेक्ट स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर डिफॉर्म के अंदर बना रहे हैं और उनको बेसिक नॉलेज स्टेबल डिफ्यूजन की होगी। अगर आपको स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, मैं आगे पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग से कि स्टेबल डिफ्यूजन कैसे इंस्टॉल होना है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, उससे क्या क्या आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये लेके चलता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पर ये वीडियो देखने आए हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज स्टेबल डिफ्यूजन की होगी, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्लगइन है स्टेबल डिफ्यूजन का। अगर आपको बहुत एडवांस स्टेबल डिफ्यूजन नहीं भी आता, बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी है, तो भी आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। डिफॉर्म आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा अगर, तो आपको जाना है एक्सटेंशंस के अंदर और यहाँ पर अवेलेबल पर क्लिक करना है। अवेलेबल के बाद यहाँ आप लोड फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारी एक्सटेंशन जो आप लोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको उनके नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कहीं पे डिफॉर्म लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके सामने इंस्टॉल का बटन है, उसको आपको प्रेस करना है। मेरे केस में यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। जब एक बार उसे इंस्टॉल कर देंगे आप, तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड के टैब पे आएंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिफॉर्म फॉर ऑटोमेटिक 11.11 वेब UI। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में अप्लाई एंड रिस्टार्ट करना है आपने, तो आपका UI रिस्टार्ट हो जाएगा और इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। देन आपको जाना है डिफॉर्म के ऊपर, तो डिफॉर्म के पेज पे आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन नज़र आने वाली हैं और यही रीज़न है कि जैसे कई लोग काइबर ऐप वगैरह से कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि उसके अंदर कंट्रोल नहीं है आपके पास, इसमें आपको बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। और स्टेबल डिफ्यूजन वैसे भी जो लोग यूज़ करते हैं उनको मालूम है कि इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेबल डिफ्यूजन का जो डिफॉल्ट मॉडल है वो तो अच्छा है ही, बट आप लोग कम्युनिटी के बनाए हुए बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे आर्टिस्टिक मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा मिड जर्नी टाइप की क्वालिटी जो है स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर अचीव कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर लोग जो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं AI वाली, उनकी वीडियो
इसके अंदर जो है कुछ भूत पिशाच इस तरह के ड्रैगन वगैरह नज़र आते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो इस तरह का मॉडल इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करवाई गई होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर डंजन्स एंड वाइफूज का मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का ये है। मुझे ये वाला बहुत पर्सनली पसंद है, प्रोटोजन, ये बहुत अच्छे रिजल्ट निकालते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। कोई और आपको पसंद है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या डिफॉल्ट स्टेबल डिफ्यूजन का जो मॉडल है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डजेंट मैटर। बस हाँ, क्वालिटी का फर्क है, आपको जो स्टाइल पसंद है उस स्टाइल का आप मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस चीज़ को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल एनिमेशन सेटिंग आपको क्या रखनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रन है, इसके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अंदर आपको जो स्टेप्स हैं, जितने आप स्टेप्स पढ़ाओगे उतने आपकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी, लेकिन उतना ही आपके जीपीयू के ऊपर लोड पड़ेगा। जीपीयू एक्सटेंसिव चीज़ है, ये जीपीयू आपका इस्तेमाल करेगी। मेरे पास आरटीएक्स 3080 है, 10GB उसकी वी रैम है, तो अगर आपकी वी रैम 6GB से कम है तो आप मतलब ना ही कोशिश करें, और अगर आपकी वी रैम है 8GB के आसपास, 6 से ऊपर है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा आपके जीपीयू पे लोड पड़ता है तो उसके लिए सेटिंग्स आप जैसी भी हैं कम से कम रखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको हम छेड़ते नहीं है, डिफ़ॉल्ट 25 रहने देंगे। विड्थ और हाइट, अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, विड्थ को हम उठा के कर देते हैं 1080 और हाइट को कर देते हैं 1920, क्योंकि इस रेजोल्यूशन में हमारी वीडियो शूट हुई है, बट वैसा करने पे आपके सिस्टम पे लोड पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 512 ही रखते हैं विड्थ को, और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आपकी हो जाएगी उसकी 896। अगर आप ये रखेंगे रेजोल्यूशन तो आप इसको बाद में स्केल करेंगे तो आपकी ये 1080x1920 हो जाएगी। तो ये रेशियो के हिसाब से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपने सिंपली हाइट को जाकर के 896 कर देना है और विड्थ को 512 छोड़ देना है। बाकी आपको अपनी मर्जी से कोई रेजोल्यूशन निकालनी है यूट्यूब वगैरह के लिए तो आप निकाल सकते हैं, ये मैं आपको पोर्ट्रेट मोड फोन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सीट को नहीं छेड़ना, बाकी इस चीज़ को किसी चीज़ को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फेसेस जो है क्लियर चाहिए तो यहाँ पर रिस्टोर फेसेस को आप ऑन कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम चलते हैं यहाँ पर सेकंड जो है की फ्रेम्स के ऑप्शन, इसमें आप देख सकते हैं 2D 3D इंटरपोलेशन वीडियो काफ़ी सारे मोड हैं। हमारे मेनली काम के 2D और 3D है। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता तो आप 2D में ही काम करें, अगर सिस्टम लोड उठा सकता है तो 3D में जाएं, क्योंकि 3D में ही ज़्यादा कूल रिजल्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि आप नीचे आप देख सकते हैं मोशन की ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको जो है एंगल, जूम, ट्रांसफॉर्म एक्स, ट्रांसफॉर्म वाई ये मिल रहा है, कहीं पे भी जेड एक्सिस की ऑप्शन नहीं है। तो 3D नहीं है ये, सिर्फ 2D में आपकी जो सिंपल स्केलिंग वगैरह इस तरह से और 2D रोटेशन हो सकती है, तो उसमें मज़ा वो नहीं आता। तो हम क्लिक करेंगे 3D के ऊपर, डेफिनेटली आप 2D भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका 3D जो है रेंडर होने में प्रॉब्लम होती है तो आप 3D के बजाय 2D इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंसिपल सेम है। 3D करते ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक्स, वाई, जेड तीनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, जेड एक्सिस भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो एनिमेशन कैसे करना है वो आप देख लेते हैं। ट्रांसलेशन एक्स यहाँ पर 0 है, वाई 0 है और जेड 1.75 है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। अभी के लिए हम डिफॉल्ट वैल्यूज रखते हैं। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि ये एक्सिस कैसे काम करती हैं। अब मैंने यहाँ पे माया खोल लिया है, आप देखिए रेड एक्सिस जो है ये हमारी एक्स एक्सिस है, ग्रीन वाली वाई है और ब्लू वाली जेड है। तो नॉर्मली हम जब 2 एक्सिस में बात करते हैं तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, जब 3D की बात करते हैं तो इस एंगल पर 90 डिग्री पर हमारी जेड एक्सिस निकलती है। अब मान लीजिए मुझे जेड एक्सिस के अंदर मूव करना है, तो इस तरह से मैं आगे या पीछे जा पाऊँगा, राइट। अगर मुझे एक्स एक्सिस में मूव करना है तो मैं ऐसे लेफ्ट या राइट जा पाऊँगा, और वाई में करना है तो ऊपर और नीचे जा पाऊँगा। तो इस तरह से मैं ट्रांसलेशन करूँगा इन 3 एक्सिस के अंदर, और वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रही हैं, ट्रांसलेशन एक्स, ट्रांसलेशन वाई और ट्रांसलेशन जेड। तो ये दोनों 0 हैं, एक्स और वाई, और जेड में हमारी वैल्यू डली हुई है 1.75। इसका मतलब ये आगे की तरफ इस तरह से मूव करेगा। अगर मैं नेगेटिव 1.75 डाल दूंगा तो पीछे की तरफ बाहर आएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ आ गई होगी आपको मोस्टली। अगर मैं यहाँ पर वाई में डाल दूंगा कोई भी वैल्यू तो यहाँ पर वाई में इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। तो हमारे हाथ में हमको ट्रांसलेशन किस डायरेक्शन में चाहिए। इसके अलावा जो नीचे ऑप्शन है वो है रोटेशन 3D वाई, रोटेशन 3D जेड, रोटेशन 3D एक्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करना है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट इस तरह से होगा, राइट। तो अगर आपको अपने मान लो आपकी इमेज इस तरह से आप चाहते हैं कि कैमरा नीचे की तरफ जाए तो ऐसा आप रोटेशन चाहेंगे तो माइनस में आप एक्स रोटेट करेंगे, ऐसे करेंगे तो प्लस में एक्स रोटेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी इमेज जो है वो लेफ्ट तरफ को रोटेट करें तो आप ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे इस तरह से नेगेटिव में और इस तरह से पॉजिटिव में। और सिमिलरली अगर आप चाहते हैं रोल करें इमेज तो आप इसको जो है जेड एक्सिस में यहाँ पे लेफ्ट और राइट की तरफ रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है एक्सिस की रोटेशन काम आएगी आपको। यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट जो है 3D एक्स 0 है, 3D वाई 0 है, 3D जेड 0 है, तीनों 0 हैं। अभी मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों, ताकि हम टेस्ट करके देख सकें कैसा रिजल्ट इस चीज़ से जनरेट होता है। यहाँ पर मैक्स फ्रेम बाय डिफॉल्ट जो है 120 है, इसको आप बढ़ा सकते हैं 500 जितना भी करना है उतना कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम 120 ही रखेंगे टेस्टिंग के लिए, और बाकी सब चीज़ें ओके हैं। यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आप जो है फील्ड ऑफ व्यू को चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 70 है, इसको मैं यहाँ पर 120 कर देता हूँ ताकि थोड़े वाइड एंगल हमारे रिजल्ट आ जाएं। बाकी इसको 70 भी रखेंगे डिफॉल्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ हो गई है सारी, यहाँ पर सेटिंग हमारी सारी हो गई हैं, बाकी चीज़ें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ओके है। आफ्टरवर्ड्स हम चलते हैं प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 के ऊपर लिखा हुआ है टाइनी क्यूट, सॉम्प, बनी, ऐसे कुछ ये डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट आया हुआ है।
इस सारे को आप हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है ये ज़ीरो यहाँ पर रखा रहने, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरोज जो हैं, ये जो बेसिकली कॉलन जो हैं, इनको भी लगा रहने दें। और इसके बीच के अंदर आप डाल सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी का प्रॉम्प्ट। अब ये मैंने आपको फिर भी बता देता हूँ कंट्रोल जेड करके, यहाँ पे जीरो फिर 30, इसका मतलब कि पहले जीरो फ्रेम के ऊपर आप ये चीज़ करने वाले हैं, 30th के ऊपर जाकर के वो चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लो आपको अपनी एनिमेशन के अंदर यहाँ पर आपने शुरू में वॉरियर लिख दिया, सेकंड नंबर पे आपने रोबोट लिख दिया, थर्ड पे आपने कुछ और लिख दिया, तो यहाँ पर पहले 30 फ्रेम तक ये वॉरियर चलेगा, 30 के आगे रोबोट चलेगा, इस तरह से आपकी चीज़ चेंज होने वाली है, राइट। तो चलो मैं एक्चुअली आपको ये दिखाई देता हूँ, इसको मैं डिलीट नहीं करता, आप चाहे तो सिंगल सकते हैं, वैसे नॉर्मली सिंगल ज़्यादा अच्छा लगता है, स्टिल यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ फ्यूरियस मेल वॉरियर, यहाँ पे मैंने कर दिया फाइटिंग इन ए बैटल, ठीक है। उसके बाद 30th के ऊपर जाकर के हो जाएगा, इधर हम कर देते हैं एक रोबोट कर देते हैं, रोबोट स्पोर्ट्स प्लेयर प्लेइंग विद ए सॉकर बॉल, यहाँ पर हमने ये कर दिया। 60th फ्रेम पे जाकर के हम क्या करें, यहाँ पर हम कर देते हैं टाइगर रोरिंग इन ए जंगल फुल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और 90th फ्रेम पे हम कर देते हैं एक्टर शूटिंग ए फिल्म ऑन हॉलीवुड सेट, ठीक है। तो ये हमने हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं। अब हमने कहा है कि शुरुआत हो हमारे फ्यूरियस मेल वॉरियर से, उसके बाद 30th पे रोबोट्स आ जाएं, देन टाइगर एंड देन इवेंचुअली एक्टर शूटिंग ए फिल्म। ये तो आपकी जो है आपका मेन प्रॉम्प्ट हो गया। आप सिंगल भी डाल सकते हैं जैसे मैंने बताया, और आप ये सारे भी डाल सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से। नीचे आपकी प्रॉम्प्ट्स पॉजिटिव और प्रॉम्प्ट्स नेगेटिव की ऑप्शंस हैं, इसके अंदर आप कुछ भी पॉजिटिव प्रॉम्प्ट आप चाहते हैं जो जुड़ जाएं एक्स्ट्रा साथ में, वो यहाँ पर डाल सकते हैं। लाइक मैं सिंपली डाल देता हूँ यहाँ पर 4K अल्ट्रा शार्प फोकस सिनेमैटिक प्रोफेशनली कलर ग्रेडेड, तो ये अच्छे हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। और क्या हो सकता था, मैजिकल इंट्रिकेट डिटेल्स, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं सारे प्रॉम्प्ट्स, ये अच्छे हैं। बाकी आप जितना मर्जी इसको एलेबोरेट कर सकते हैं डिटेल में, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा इसके अंदर। नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स में बाई डिफ़ॉल्ट NSW और न्यूड होता है, इसके साथ में आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे डिस्टॉर्टेड लिम्स अगली, कुछ भी आप यहाँ पर आपको लगता है जो एक्स्ट्रा आप चाहते हैं कि जो जिनका ध्यान रखना है, फीमेल, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेल ही रिजल्ट हैं, अदरवाइज वो वॉरियर में फीमेल वॉरियर भी दिखा देगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें ऐड ऑन करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद में हमें लगता है कुछ चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है तो उसको भी हम माइनस कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो ये हो गया, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक और चीज़ यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ, साइबर पंक आर्ट स्टाइल, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब हमारी प्रॉम्प्टिंग यहाँ पर हो गई है, और कुछ यहाँ छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो इनिट लिखा हुआ है ये है इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियल इमेज आपकी अगर आपको डालनी है कोई तो आप यहाँ डाल सकते हैं। सारी एक्सरसाइज का मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर आपको इसको टिक करना है यूज़ इनिट को, जो हमने यहाँ पर एक इमेज निकाली थी ए वाली, ये वाली, ठीक है। तो इसका हमने यहाँ पर लिंक कॉपी करना है, पाथ कॉपी करना है, इसलिए आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो एक होती है कॉपी की ऑप्शन, दूसरी होती है कॉपी एज पाथ। तो यहाँ पर अगर आपको कॉपी एज पाथ नज़र ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके फिर राइट क्लिक करें, आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगी कॉपी एज पाथ की, इस पर आप क्लिक कर देना है, तो आपका पाथ कॉपी हो गया ये। अब आपने जाना है वापस इधर, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ था इसको आपने उठाना है सारे को, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है अपना जो पाथ था। अभी स्टार्टिंग और एंड में ये कॉमाज आ गए हैं, इनको आपने यहाँ से मिटा देना है, ठीक है। तो आपका पाथ यहाँ पर आ गया, तो ये भी बढ़िया चीज़ होगी। बाय डिफ़ॉल्ट 0.8 स्ट्रेंथ है, उसको ऐसे रहने दीजिए, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। आगे जो है कंट्रोल नेट हाइब्रिड वीडियो इन सब चीज़ों की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आउटपुट में आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आप अपस्केल कर सकते हैं करना चाहें तो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना रेजोल्यूशन काफ़ी है, उसको बाद में आप चाहें तो और तरीकों से भी अपस्केल किया जा सकता है। यहाँ पर आप अपस्केल को इस्तेमाल करेंगे तो अपस्केल्ड रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें आपका GPU बहुत फूक जाएगा, इसलिए इसको हम बंद ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं, प्रॉम्प्ट हो गए हैं, की फ्रेम हो गए हैं। यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, की फ्रेम के अंदर बॉर्डर में जो है रेप्लिकेट और रैप की, तो यहाँ पर हम रैप कर देते हैं इसको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप 2D में कर रहे हो तो रैप मत इस्तेमाल करना, क्योंकि 2D में रैप से जो है बुरे रिजल्ट आते हैं, 3D में थोड़ा बेटर रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, राइट। तो ये चीज़ हमारी हो गई है, अब मैं इसको यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हमारी रेंडरिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पर परसेंटेज चल रही है,
और ये यहाँ पर जो है इस तरह का आपको फ्रेम दिखना शुरू हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, कई बार ये चीज़ थोड़ी स्लो चलती है। तो ये पहला फ्रेम हमारा जनरेट हुआ है, हमें ये क्लियर हो गया कि हाँ इसने इनिशियल इमेज इसको लिया है, अब इस इमेज से आगे ये जो है जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसके ऊपर ये काम करेगा। तो अभी मैंने जो है माया और दविंची रिजॉल्व खोला होता साथ में, दोनों को मैंने बंद किया है, उसके बाद ये मेरी प्रोसेसिंग आगे चलनी शुरू हुई है। अटक गई थी क्योंकि GPU इस्तेमाल कर रहा था, दविंची रिजॉल्व भी बहुत ज़्यादा और माया भी खुला हुआ था। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आपने चला के नहीं रखनी है जिसमें आपका GPU ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो है अभी रिजल्ट जनरेट होने शुरू हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर वेट करना है सिंपली, ये इस तरह से मेरे GPU से आवाज़ भी आने लग गई है, पंखा घूम रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, यानी कि अब GPU पूरा इस्तेमाल हो रहा है। और आपने अगर देखना हो कि इमेजेस कहाँ पर जा रही हैं, तो ये जहाँ पर फोल्डर का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है और आपका फोल्डर यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आपके सारे फोल्डर इस तरह से बंद करके आ जाएंगे, जो लास्ट फोल्डर आपका होगा उसमें आपने जाना है। ये आपका इमेज टू इमेज वाले फोल्डर के अंदर होता है, तो यहाँ पर आपकी इमेजेस बंद करके यहाँ पर इस तरह से लोड होती आ रही हैं। आप यहाँ पर अगर यहाँ पर क्लिक करके आप इसको प्ले भी करके देख, प्ले इन द सेंस मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं कि ऐसे पहले कुछ टैटू वगैरह बन रहे थे, उसके बाद ये कुछ रोबोटिक ज़्यादा शुरू हो गया, राइट। तो ये चीज़ आपकी सामने सामने कंप्लीट हो जाएगी। और मीन वाइल मैं वापस से चलता हूँ, यहाँ पर रोबोट के बाद हमने शायद टाइगर डाला था, तो हमको टाइगर वाला रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं फेस के ऊपर कुछ चीज़ शुरू हुई है यहाँ पर, तो जो रीसेंट फोटोज़ हैं इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइगर वाली चीज़ आनी शुरू हो गई है। तो जो भी आपने प्रॉम्प्ट में डाला है वो चीज़ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगी। मैंने एग्जांपल के लिए इस तरह के वियर्ड फॉन्ट यहाँ पर प्रॉम्प्ट रखे हैं, बट आप अगर कोई सिंपल एक सिंगल फॉन्ट लेके चलेंगे, सॉरी मैं बार बार प्रॉम्प्ट को फॉन्ट बोल रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई सिंगल प्रॉम्प्ट लेके चलेंगे तो वही आपका रिजल्ट वैसा सा ही बनेगा। टाइगर के बाद हमने क्या डाला था लास्ट वाला, मैं मेरे दिमाग से भी निकल गया अभी अभी, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक्टर शूटिंग है फिल्म, तो इसके बाद में टाइगर के बाद में कुछ एक फिल्म शूट टाइप की कुछ चीज़ आ जानी चाहिए, राइट। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारी जो है सिर्फ हमने ट्रांसलेशन जेड यहाँ पर की हुई है और कोई भी चीज़ हमारी यहाँ पर हो नहीं रही, तो यानी कैमरा थोड़ा सा अंदर मूव कर रहा होगा। तो एनिमेशन हमारी कंप्लीट होने वाली है, 98% हो गई है, 99, और ये कंप्लीट हो गई एनिमेशन। अब वो फोल्डर हम खोल लेते हैं, तो वहाँ पे इमेजेस तो हैं ही, बट इमेजेस के साथ में ये फर्स्ट नंबर पे आपकी वीडियो भी बना देते हैं एंड में, जब कंप्लीट आपका प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वीडियो बन जाती है। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो है ये वीडियो चल रही है। इसको मैं एक बार दोबारा से प्ले करता हूँ ताकि आप ध्यान से समझ पाएं क्या हुआ है। स्टार्टिंग में वॉरियर था और साइबर पंक लुक है, तो ये साइबर पंक टाइप की फील आ रही है और कुछ वॉरियर टाइप का लुक आ रहा है। उसके बाद रोबोट की बारी आई, अब ये मशीन बनने लगे, हाथ रोबोटिक हैंड हो गए। उसके बाद रोबोट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहा, टाइगर की बारी आई, तो अभी रोबोट बन रहा था साथ में टाइगर शुरू हो गया, तो यहाँ पर मेटल आर्म अभी चल रही है और टाइगर का फेस पूरा बन गया है। और जैसे ही टाइगर वाला ख़त्म होता है उसके बाद जो लास्ट था हमने उसके लिए बहुत कम टाइम बचा था, तो ये आप देख सकते हैं टाइगर के बाद एकदम से ये कुछ हॉलीवुड टाइप की फीलिंग यहाँ पर आ रही है, शूट टाइप की, यहाँ पर कुछ कैमरा टाइप कुछ बनना शुरू हुआ, लेकिन वो कंप्लीट होता है इससे पहले जो है एनिमेशन खत्म हो गई, राइट। तो मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया, अब की बार हम ये मल्टीपल नहीं रखेंगे प्रॉम्प्ट्स, हम सिंगल प्रॉम्प्ट रखेंगे। तो मैं ये सारा यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपली मैं ये वाला फर्स्ट वाला ही चलने दूंगा, राइट। फ्यूरियस मेल वॉरियर फाइटिंग इन ए बैटल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं swords and arrows melee attacks, जो भी आपको मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। थोड़ा मैं डिटेल बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें टाइप कर रहा हूँ। साइबरपंक आर्ट स्टाइल मैं यहाँ से मिटा देता हूँ अब की बार, मैं चाहता हूँ कि कुछ देखते हैं बिना साइबरपंक लिखे ये किस तरह का रिजल्ट जनरेट करता है। अब हमारा सिर्फ एक प्रॉम्प्ट है, मतलब एक टाइप का, अब हम दोबारा जनरेट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने जनरेट पे क्लिक किया, यहाँ पर ये चीज़ शुरू हो जाएगी, एक बार ये थोड़ा सा लोड होता है एंड देन ये स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं 1% 2%। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं इस फोल्डर में, इससे आप बैक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये वो फोल्डर था, नेक्स्ट फोल्डर भी अब बन गया, इसके अंदर ये चीज़ आनी शुरू होगी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट फोल्डर बनाता रहता है ये हर बार हर टास्क के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अब इसने वॉरियर इस तरह का बनाना शुरू किया है, थोड़ा ये पुराने ज़माने का या आप कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो गेम ही टाइप लग रहा है ये। अगर मैं किसी इमेज को खोलता हूँ तो इसमें जो है यहाँ पर आपके आर्मर वगैरह बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। जो आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे उस तरह के आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता किक बॉक्सर, तो ये क्योंकि मेरा बॉक्सिंग पोज है यहीं से जो है किक बॉक्सिंग टाइप की एक चीज़ क्रिएट कर देता। पिछले वाले को एक बार मैं दोबारा खोलता हूँ मीन वाइल जब तक ये हो रहा है, वो मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि एनिमेशन की समझ हमको यहीं से आएगी। इसमें आपने ये तो देखा क्या क्या चीज़ें जो है हम बना रहे हैं, बट आप देखना कैमरा मोशन क्या है। कैमरा मोशन, कैमरा अंदर की तरफ जा रहा है, जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है कैमरा, राइट। उसका रीज़न ऑब्वियसली आपको पता है क्योंकि हमने सिर्फ जेड एक्सिस में ट्रांसलेशन दी थी और कोई चीज़ नहीं की थी, राइट। तो अब मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ, नेक्स्ट वाले में हम आते हैं, राइट।
और ये कितना परसेंट हो गया 38, इसको भी एक बार हो जाने देते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको दिखाऊँगा रोटेशन की पावर क्या है, जो असली गेम चेंजिंग चीज़ है, जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं 3D डेप्थ को। क्योंकि हम 3D इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी इतनी 3D की फीलिंग आ नहीं रही, रीज़न बिंग कैमरा आगे की तरफ मूव कर रहा है, वो सिंपली देखने में लगता है कि जूम हो रहा है। तो 2D में जैसे आपका जूम होता है, वैसे 3D में कैमरा आगे मूव करता है, तो सिमिलैरिटी उसमें आती है। अगर आपको रियली 3D का बेनिफिट लेना है तो कैमरा है तो आप रोटेट करें नीचे ऊपर किसी डायरेक्शन के अंदर, तब आपको चीज़ मज़ा आने वाली है। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको दिखाया था कि कैमरा अगर नीचे की तरफ ले जाना है तो आपको एक्स एक्सिस के अंदर उसको रोटेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीज़ मैं अब दोबारा माया खोल के नहीं दिखाऊंगा, आपको पीछे करके देख लेना। एक्स एक्सिस आपकी जो है उसके अगर अलॉन्ग रोटेट करोगे कैमरा, तो कैमरा फेस से नीचे की तरफ को जाएगा, जिससे करेक्टर बड़ा लगेगा। अगर ऊपर की तरफ करोगे तो कैमरा टॉप की तरफ जाएगा, जिससे करेक्टर छोटा लगेगा, राइट। तो कई बार लोगों को लगता है कि ऊपर नीचे करने के लिए शायद जेड एक्सिस होगी, ऐसा नहीं है, एक्स एक्सिस से आपकी वो चीज़ होगी। और जेड एक्सिस में अगर घुमाओगे तो सिंपली रोल हो जाएगा, उसमें भी 2D फीलिंग आएगी, मज़ा नहीं आएगा। वाई एक्सिस में अगर घुमाओगे तो उससे भी कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके बन जाएंगे। अभी इसे हम कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद में हम जो है रोटेशन वाली चीज़ करते हैं। तो ये वाला भी हमारा रेंडर हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कैसा रिजल्ट आया। इस बार हमारा प्रॉम्प्ट सिंगल था, सिर्फ वॉरियर वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कोई भी रोबोटिक वगैरह चीज़ नहीं आ रही है, सिर्फ वॉरियर का यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। सो दैट इज़ ग्रेट। अगेन एनिमेशन आपकी सिर्फ आगे की तरफ वो कैमरा मूव कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा और बदलाव। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे की फ्रेम्स के अंदर, और ये बदलाव हमारा होगा रोटेशन से। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अगर इसको चाहते हैं नीचे की तरफ रोटेट हो, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं रोटेशन 3DX में, इसको डाल देते हैं हम रोटेशन। हम चाहते हैं थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं रोटेशन, 2 कर देते हैं। ट्रांसलेशन मुझे बहुत कम लग रही है, मैं चाहता हूँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़े कैमरा, तो 1.75 है, इसको हम कर देते हैं 6 कर देते हैं, और रोटेशन को हमने 2 रखा है। अब देखते हैं इससे कैसा रिजल्ट आता है। ये आपको हिट एंड ट्रायल है, एक बार आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी रोटेशन ज़्यादा तेज़ होगी है या फिर ट्रांसलेशन ज़्यादा तेज़ होगी है, तो आप उसकी वैल्यूज़ को बाद में चेंज करते हैं। फिलहाल इन वैल्यू के साथ में हम इसको जनरेट करते हैं। अब जनरेशन यहाँ पर शुरू होगी, आपको यहीं पर प्रीव्यू देख करके समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ा है, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब क्या होता है, और आप देख रहे हैं कि अब बेसिकली ज़्यादा तेज़ी से कैमरा अंदर जा रहा है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर से ही ये पास हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे कैमरा रोटेट कर रहा है उसके साथ में कैमरा नीचे भी आना चाहिए, तो नीचे लाने के लिए ट्रांसलेशन वाई हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है तो वहाँ पर कुछ और कंटेंट, यहाँ पर स्पार्क्स वगैरह वो कुछ तो क्रिएट कर रहा है, डिफ्यूजन यहाँ काम कर रही है, और डिफ्यूजन से कुछ और भी बन करके आ सकता है, हो सकता है बादल चलते रहे, हो सकता है यहाँ पर दूसरा वॉरियर कोई बन करके आ जाए। तो ये जैसे यहाँ पर फेस जनरेट हो गया उस डिफ्यूजन में से, तो अपने आप कुछ ना कुछ कूल स्टफ़ ये बनाता रहेगा। यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है ये भी, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कैसा रिजल्ट आया है। तो ये लेटेस्ट एनिमेशन है हमारी, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कैमरा रोटेशन इसमें हुई है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पर कुछ और करेक्टर बन करके आ रहा है। तो इस तरह से अब हमने छोटी क्योंकि ड्यूरेशन रखी थी, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है वीडियो। अगर आप इसको 500 फ्रेम 600 फ्रेम करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो आपकी बनकर निकल आएगी। तो इसमें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रोटेशन मेरी ठीक है, पर ट्रांसलेशन मुझे वाई के एक्सिस के अंदर चाहिए कि मैं पूरा कैमरा ऊपर से नीचे ले आऊँ। तो मैं वो भी इस बार ट्राई करता हूँ, इसे हम कर देते हैं बंद। अब हम जाते हैं दोबारा से यहाँ पर एनिमेशन के अंदर, और इसमें मैं ट्रांसलेशन वाई के अंदर जो है -2 कर देता हूँ, ताकि नीचे की तरफ कैमरा आए, और रोटेशन में भी हम जो है रोटेशन वाई एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। जेड तो हमने किया ही नीचे की तरफ, और साइड रोटेशन भी हमें चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर भी 2 डाल देता हूँ, राइट। 2 नहीं, यहाँ पर मैं 1 डालता हूँ, वाई में थोड़ी सी कम रोटेशन रखते हैं। अब देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, और इस बार मैं प्रॉम्प्ट भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्रूस ली डूइंग मिक्स मार्शल आर्ट्स, ये हम यहाँ पर कर देते हैं। वापस की फ्रेम्स के अंदर आते हैं। इधर एक और चीज़ थी, स्ट्रेंथ जो थी वो मैंने आपको बताया नहीं था। तो स्ट्रेंथ बाय डिफ़ॉल्ट 0.65 है, इसको आप बढ़ा सकते हो। इस बार हम थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के देखते हैं, उससे थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ स्ट्रेंथ, और आप देख सकते हैं पर 0 के आगे कॉलन लगा के लिखा हुआ है 0.8, तो आप यह है बेसिकली 0 फ्रेम पे। यहाँ पर एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो कि 30th फ्रेम के बाद कुछ और हो जाए, स्ट्रेंथ कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, 50th के बाद कुछ और हो जाए, तो आपके कंट्रोल में है। ऐसी सब चीज़ें हैं, 0 कॉलन समथिंग का मतलब है कि ये 0th फ्रेम पे ये है, आगे आप 30 कॉलन कुछ और डाल देंगे, 120 कॉलन कुछ और डाल देंगे, तो विद टाइम आपकी वो चीज़ें चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ पर मैथ फंक्शन वगैरह लग सकते हैं, वो आपके हाथ में है, आप जितना मर्जी उसको एनिमेशन करनी आपको कैसी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हो, जिसमें कि आप ऑब्वियसली दिमाग लेने वाला है। तो आप छोटी चीज़ें जो हैं सिंपल सिंगल फंक्शन रखेंगे तो आपका रिजल्ट जल्दी इंटरेस्टिंग आ जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है रोटेशन वगैरह आप इस्तेमाल कर लें, ताकि ऐसे कूल रिजल्ट आ जाएँ। तो
तो हमने अब प्रॉम्प्ट चेंज किया है, रोटेशन दो ऐड की है, ट्रांसलेशन एक और ऐड की है। अब हम इसको फिर से जनरेट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है। तो ऑलरेडी हमारी दो एक्सिस के अंदर रोटेशन हमको नज़र आने लग गई है और फेस ब्रूस ली जैसा होना शुरू हो गया है। कैमरा नीचे की तरफ को भी रोटेट हो रहा है और वाई एक्सिस में भी रोटेट हो रहा है और पूरा का पूरा कैमरा नीचे की तरफ भी आ रहा है। थोड़ा और स्पीड से आ सकता है मुझे लगता है। मैं इसको यहाँ पर इंटरप्ट करूँगा तो इंटरप्ट से आपकी जो चीज़ें रुक जाती है। यहाँ पर मैंने इसको इंटरप्ट कर दिया और मुझे लग रहा है कि जो वाई एक्सिस में जो है कैमरा नीचे आ रहा है वो -2 की जगह मुझे यहाँ पर -5 करने है। काफ़ी ज़्यादा मैं इसको नीचे करना चाह रहा हूँ। अब जनरेट पे क्लिक करते हैं, अब देखता हूँ इससे कोई डिफरेंस आता है या नहीं। तो इस बार हम देखते हैं कितना, हाँ ये रुक पाता है ऊपर और कैमरा नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ब्रूस ली का फेस भी बन रहा है, अगेन ठीक है, और रोटेशन भी आ रही है, ठीक है। और इस बार लग रहा है कि हम सिर के ऊपर से एकदम से नहीं निकल पाएंगे, तो हमारा वो जो -5 हमने किया उसकी वजह से अभी भी सेंटर में है, अदरवाइज़ यहाँ पर इसका सर जो है नीचे तक पहुँच चुका होता है इस टाइम तक, ठीक है। तो ऊपर की बजाय इस बार हो सकता है साइड से हम निकल जाएँ। हाँ, अब हम थोड़ा सा साइड से निकल जाएंगे बाहर और पीछे जो है जिब्रिश के अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेटली दोबारा से बन जाएगा। अब इसमें आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर अंधेरा जो है मेंटेन्ड है, क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल फुटेज थी, जो हमारा मेरा शॉट था, उसके अंदर पहले यहाँ पर पीछे अंधेरा था। तो अगर आप यहाँ पर जैसी इमेज डालेंगे उसी तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपकी इमेज अगर पीछे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ वहाँ पर वो क्रिएट करता रहेगा, राइट। तो मेरी दूसरी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैं जंप करता हूँ तो पीछे ग्रीन स्क्रीन लाइट वगैरह बहुत कुछ पड़ा था, तो वहाँ से वो जो है रिजल्ट उस तरह का क्रिएट कर रहा था, उन चीज़ों से कुछ ना कुछ बना रहा था डिफ्यूजन के थ्रू। अब यहाँ बिल्कुल अंधेरा है तो ये खाली दिख रहा है, यहाँ से आप कुछ डिफ्यूजन के थ्रू ये क्लाउड वगैरह डाल करके कुछ बना रहा है। तो ये वाला भी हो गया, एक बार फिर से बैक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इससे कैसा रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट है, ब्रूस ली बन गया है, कैमरा नीचे आ रहा है, रोटेट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं 3D कैसे यहाँ पर काम करता है। तो इस तरह के रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं यहाँ से। और मैं इसको थोड़ा क्रेजी करना चाहूँगा, अब क्या थोड़ी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, 5 की बजाय इसको -15 कर देता हूँ ताकि बहुत तेज़ी से ये नीचे जाए। और इधर हम कर देते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर भी चेंज, और प्रॉम्प्ट को यहाँ पर हम ब्रूस ली का हटा देते हैं। अब कुछ और यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, यहाँ पर हम करते हैं टोबी मैग्वायर स्पाइडरमैन, देखते हैं कि ये कितना उसको रिजेंबल कर पाता है। हाँ, अगर टोबी मैग्वायर का डेटा ट्रेंड होगा इस मॉडल के अंदर तो वहाँ पर रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो देखते हैं कुछ जिब्रिश भी क्रिएट हो सकता है। तो लेट्स क्लिक ऑन जनरेट। तो ये टोबी का यहाँ पर फेस आप देख सकते हैं, लुकिंग रियली फनी। अब की बार हमारा देखो कैमरा ऊपर मेंटेन है, तो मैंने -5 से -15 किया है ना, तो हमारा फेस अब की बार मुझे लगता है ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है इसको करते हैं -10 ताकि हमारे सेंटर में। तो ये है हिट एंड ट्रायल, जो आप जो है एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि अलग अलग रिजल्ट किस तरह के जनरेट हो रहे हैं, और हर इमेज के हिसाब से आप चाहेंगे कि अलग तरह की एनिमेशन हो, वो भी एक चीज़ है। तो ये वाला भी हो गया है, इसको भी देख लेते हैं, ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा ये रिज़ल्ट, इस पर क्लिक करके देखते हैं। टोबी मैग्वायर बन गया है, स्पाइडरमैन की ड्रेस भी अपीयर नहीं हो पाई थी और उससे पहले इतना ऊपर निकल गया, और नीचे कुछ रिजल्ट यहाँ पर ज़्यादा आ नहीं पाया क्योंकि हमने ड्यूरेशन भी कम रखी है। अगर हम ड्यूरेशन ज़्यादा रखेंगे तो थोड़े और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे। तो इस बार हम क्या करते हैं, ये -15 को पहले -10 कर देते हैं और यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स के अंदर जाते हैं, टोबी मैग्वायर स्पाइडरमैन, इसको थोड़ा डिटेल डालते हैं, और स्पाइडरमैन फाइटिंग थैनोस इन स्पेस फिल्ड विद स्टार्स इन द बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थोड़ी सी डिटेल मैंने ऐड की है, और इसके बाद हम करते हैं जनरेट और देखते हैं इस बार कैसा रिजल्ट आता है। ये हमारे पास रिजल्ट है, तो थोड़ा यहाँ पर थानोस का फेस आ गया इस बार, और ठीक है, यहाँ से जा करके हमारा पीछे हमारी गैलेक्सी बननी शुरू हुई थी अभी, और उसके साथ में हमारी वीडियो की जो, क्योंकि हमने ड्यूरेशन कम रखी थी तो ख़त्म हो गई वहाँ पर। और थोड़ा सा ज़्यादा ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है तो ये अभी स्क्रीन से बाहर हो जाता है, तो वाई एक्सिस में हम वैल्यू कम कर सकते हैं, इनफैक्ट नेगेटिव कर सकते हैं वाई एक्सिस में। तो एक बार ये भी हम ट्राई करके देख लेते हैं, मैं ऑब्वियसली इसमें टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ बट इससे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो वाई में हमने यहाँ पे 1 रखा था ना, इसको हम करते हैं -0.5। अब दूसरी डायरेक्शन में और थोड़ी सी कम रोटेशन मैंने की है, बाकी सब हम सेम रखते हैं। और यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर भी कुछ चेंज कर देते हैं इस बार, स्पाइडरमैन की बजाय हम कर देते हैं आयरन मैन फ्लाइंग इन स्पेस, और कॉमा डाल के हम कर देते हैं स्टार्स एंड गैलेक्सीज इन द बैकग्राउंड। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, की फ्रेम में आकर के मैं यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू को इस बार वापस से 70 करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए क्या होता है। हमने शुरुआत से 120 पे ही किया है, अब मैं यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करता हूँ
तो आयरन मैन बन रहा है और कैमरा एंगल इस तरह मूव कर रहा है, बहुत 3D हो गया, पूरे गैलेक्सी वगैरह स्पेस में सब कुछ आ गया है। और यहाँ पर क्योंकि एनिमेशन छोटी है तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, अगर मैं इसको लंबी एनिमेशन बनाता तो और दोबारा से आयरन मैन फिर से कहीं से उड़ता हुआ आ जाता और ये चीज़ कंटिन्यूएशन में चलती रहती। तो जितनी लंबी एनिमेशन चाहिए उतने आपको फ्रेम डालने पड़ेंगे, हम सिर्फ 120 फ्रेम कर रहे हैं, इस वजह से हमारी एनिमेशन छोटी बन रही है। दूसरे केसेस में मैंने थोड़ी बड़ी एनिमेशन बनाई हुई है तो आप यहाँ पर बढ़ा लेना इसको, बट क्लास के लिए इतना काफ़ी था। तो यहाँ पर 120 है इसलिए छोटी बन रही है, यहाँ पर अगर आप 600-500 कुछ कर देंगे तो आपकी लंबी ड्यूरेशन की बन जाएगी। अब हम वापस चलते हैं रिजॉल्व के अंदर और यहाँ पर हम ये वीडियो लेकर के आते हैं जो हमने बनाई है, इसको ड्रैग ड्रॉप यहाँ पे कर लेते हैं हम। और यहाँ पर हमारा कट लगा हुआ है ऑलरेडी, आपने सिंपली इसको ऊपर लेयर के अंदर यहाँ पर प्लेस कर देना है। अगर आप यहाँ से प्ले करेंगे तो आपकी वो चीज़ अब पहले वाला ये हुआ सीन स्टॉप एंड देन हमारी ये एनिमेशन चल जाएगी, राइट। तो ये चीज़ है, बट इसको थोड़ा और कूल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी जिटरीनेस है, स्मूथनेस कम है। तो स्मूथ करने का तरीका इसको ये है कि आप यहाँ पर जाकर के इस क्लिप को सिलेक्ट करके रीटाइमिंग पे जाएं और यहाँ पर ऑप्टिकल फ्लो कर दें, यहाँ पर रीटाइम प्रोसेस के अंदर अभी आपकी बटरी स्मूथ यहाँ पर एनिमेशन हो जाएगी। तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर नज़र आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, राइट। और ये मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे को पहले ही स्टॉप कर लेना चाहिए था इस जगह पर, तो मैं यहाँ से इसको यहीं से जोड़ देता हूँ और ये इस तरह से। अगर इसको आपको और अच्छे से मैच करना हो तो आप कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों को मैंने साथ लगा दिया और स्मूथ कट जो है उसको मैं यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करूँगा क्योंकि ये मेरी एनिमेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको मुझे कट करना पड़ेगा हल्का सा ताकि स्मूथ कट यहाँ पर डल पाए। और अब ये थोड़ा यहाँ पर ब्लेंडिंग हो जाएगी, देख रहे हैं आप, तो ये रुका और ये इस तरह से चल पड़ा, राइट। इस तरह से आप अपनी कोई भी एनिमेशन जंप करते हुए किसी भी तरह की बना सकते हैं और जितना लंबा ड्यूरेशन रखेंगे उतनी आपकी एनिमेशन कूल हो जाएगी। अगर आपको इसकी स्पीड वगैरह भी बढ़ानी घटानी है तो आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सामने वाली क्लिप को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप स्पीड पर जा करके अगर यहाँ पर इसको कर देते हैं 60 तो ये फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह की अगर आपको रिजल्ट चाहिए और लंबी एनिमेशन है तो आप फास्ट भी निकाल सकते हैं उसको, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आउटपुट जो है यहाँ पर आपके FPS 15 है, इसको 15 ही इसको रखना, 30 करोगे तो थोड़ी और जिटरी एनिमेशन हो जाएगी, 15 इज़ गुड क्योंकि वो बाद में ऑप्टिकल फ्लो लगा करके स्मूथ हो जाती है। सो इस तरीके से आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं डीफॉर्म को अच्छी एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। बाकी ये मैंने आपको सारा बेस आपको क्लियर कर दिया है, इसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था मैथ फंक्शनैलिटी और अलग अलग फ्रेम पे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको डिटेल्ड अगर और ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बताना, मैं वो भी लेकर के आ जाऊँगा। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, इससे ही आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला है मोस्टली। और बाद में जो और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग फ्रेम वाला, उसका अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बताइए। और स्टेबल डिफ्यूजन के ट्यूटोरियल्स अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि आप लोग बातचीत नहीं करते तो मुझे हमेशा समझ में नहीं आता, कोई एक आदमी आके बोल देता कि सर स्टेबल डिफ्यूजन का बना दो और कोई बोल नहीं रहा। कुछ लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ अब ये लोग चाह रहे हो आप लोग ये चीज़, है ना, तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर ही सीरीज़ फिर लेके आने का मेरा प्लान है, बट आप लोग पूछते ही नहीं हो, पूछोगे तो वो आप चीज़ मैं बनाऊंगा, जिस चीज़ की बात होती है वो चीज़ हम उसके ऊपर ही काम करते हैं, राइट। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको डिफॉर्म के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप भी कूल कूल एनिमेशन इससे बनाइए और शेयर कीजिए अपने इंस्टा रील्स के अंदर। और मुझे भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप अपना हैशटैग निर्देशक राव उसके अंदर डाल देना रील के अंदर, मैं चेक कर लूँगा हैशटैग निर्देशक राव को 2-4 दिन बाद कि किस लोगों ने बनाई है कि नहीं। अगर किसी की मुझे अच्छी लगी तो मैं शेयर कर दूँगा अपनी स्टोरीज के अंदर। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग किसी टॉपिक के साथ में, तब तक ले राव की ओर से नमस्कार।